नमस्ते स्टूडेंट्स, चलिए आज हम एक स्टोरी सुनते हैं। एक गांव में एक रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसने अपने दोस्त श्यामू से बोला कि चलो मेरे मैंगो ट्री को काउंट करके बताओ उसमें कितने मैंगोज हैं। तो श्यामू ने बहुत ही चालाकी से आंसर दिया कि वहां तो 200 मैंगोज हैं, लेकिन जब काउंट किया गया तो वहां 86 ही मैंगोज निकले। तो रामू को गुस्सा आया, उसने पूछा हु स्टोल माई मैंगोज, किसने चुराए मेरे मैंगोज। तो श्यामू ने एक्चुअली में काउंट तो किया ही नहीं था, उसने तो अंदाजा लगाया था। क्या दोस्तों, श्यामू ने सही काम किया था? तो दोस्तों, अंदाजा लगाना सही नहीं है, लेकिन सटीक अंदाजा लगाना ही एकदम सही है, यानी कि एस्टिमेशन, राउंडिंग ऑफ। तो आज हम इसी राउंडिंग ऑफ यानी कि अंदाजे लगाने के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ। तो यहाँ पर हम राउंडिंग ऑफ यानी कि अंदाजा दो तरीके से लगा सकते हैं, सिर्फ टू ही वेज हैं। जैसे फर्स्ट इज राउंडिंग डाउन, एंड अनदर इज राउंडिंग अप। ये राउंडिंग डाउन और राउंडिंग अप क्या है? अगर कोई भी नंबर 5 से कम होगा तो वो किस में आएगा? राउंडिंग डाउन में। और अगर कोई भी नंबर 5 से ज्यादा या 5 होगा तो वो किस में आएगा? राउंडिंग अप में। लेट्स सी, 5 से छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड 4। और 5 या 5 से ज्यादा नंबर कौन कौन से होते हैं? 5, 6, 7, 8, 9। यहां तक आपको देखना है। जैसे कि अभी हमने एक स्टोरी में पढ़ा था, कितने मैंगोज थे? 86 एक्चुअल थे वो। कितने मैंगोज थे वो? 86। अगर मैं इस नंबर की बात करूं यानी कि 6 की, तो ये जो 6 नंबर है ये है राउंडिंग अप वाले में, क्योंकि यहाँ 5 से ज्यादा नंबर है, 6 जो है वो 5 से ज्यादा है। तो अगर ये 5 से ज्यादा है तो मैं कैसे चेक करूंगी इसे? सबसे पहले हमने देखा ये कौन से डिजिट में आ रहा था, प्लेस में, टेंस प्लेस में। और ये कौन से प्लेस में आ रहा था? 6, वंस प्लेस में। तो हमने चेक किया कि जो टेंस के राइट हैंड साइड वाला जो नंबर था, यानी कि 8 के राइट हैंड साइड वाला नंबर था 6, ये 5 से छोटा है या बड़ा है? सबसे पहले हमने चेक कर लिया, बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो हम क्या करेंगे? टेंस प्लेस में प्लस 1। ध्यान से देखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 में हमने क्या कर दिया? प्लस 1, यानी कि ये हो गया 9। और ये जो नंबर था जो हम राउंड ऑफ कर रहे थे, 6 नंबर, ये 0 हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि जो मैंगोज होते वो होते 83, वो 83, तो चलो इसको चेक करते हैं। ये जो 3 नंबर है, 3 नंबर, ये राउंडिंग डाउन में है या राउंडिंग अप में है? राउंडिंग डाउन में है, क्योंकि ये 5 से छोटा नंबर है, 3 नंबर है।
देखते हैं इसके साइड वाला प्लेस यानी कि टेंस में कौन सा है और वंस में कौन सा है। टेंस में है एट, एट के राइट हैंड साइड वाला नंबर यानी कि थ्री हमने चेक कर लिया, ये फाइव से छोटा है। फाइव से छोटा है तो यहां पर कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है यानी कि एट में कुछ भी ऐड नहीं करना है और पीछे वाला नंबर ऑटोमेटिकली जीरो आता है। क्लियर इट इज। अगर हमने टेंस वाला प्लेस चेक किया था तो ये हो जाएगा एस्टिमेटिंग टेंस, क्या हो जाएगा टेंस प्लेस क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अगर मैंने बोला दूसरा तरीका कि एस्टिमेटिंग हंड्रेड वाला चेक करो, एस्टिमेट करना है, अंदाजा लगाना है हंड्रेड प्लेस पर, तो ये तो हमने टेंस प्लेस वाला कर लिया। अब हम करते हैं कौन सा हंड्रेड प्लेस वाला, यानी कि जिसकी प्लेस वैल्यू क्या है हंड्रेड। तो मैंने एक नंबर लिया 381, कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहां पे मैंने 381 लिया है और कौन सा नंबर चेक करूंगी मैं हंड्रेड प्लेस पे। चलिए आओ देखो ध्यान से, थ्री है हंड्रेड प्लेस पे, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड, तो थ्री डिजिट है हंड्रेड प्लेस पे और थ्री के राइट हैंड साइड वाला नंबर है एट। क्या है ये एट, तो ये कहां आएगा, राउंडिंग डाउन में आएगा या राउंडिंग अप में आएगा। गुड, राउंडिंग अप में आएगा। तो ये जो नंबर है 381, ये वाला जो था थ्री के राइट हैंड साइड वाला, ये आ गया राउंडिंग अप में और इसमें हम क्या करते हैं प्लस वन। वेरी गुड, क्या करते हैं हम थ्री में प्लस वन, यानी कि हो जाएगा फोर और बाकी के दोनों नंबर हो जाएंगे जीरो। चलिए अदर एग्जांपल से समझते हैं। थाउजेंड प्लेस पर एस्टिमेटिंग थाउजेंड नंबर्स, चलो कोई भी थाउजेंड वाला नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर हो गया ये 3100, इसमें चेक करो ये थाउजेंड प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। तो ये जो थ्री नंबर है ये आ रहा है थाउजेंड प्लेस पे। अब इसके हमें राइट हैंड साइड वाला नंबर चेक करना है, ये है वन। वन जो किसमें आएगा, राउंडिंग डाउन में आएगा या राउंडिंग अप में आएगा। गुड, राउंडिंग डाउन में आएगा क्योंकि ये फाइव से छोटा है। तो राउंडिंग डाउन वाले नंबर में क्या हम प्लस वन करते थे, नहीं। राइट, तो इसका आंसर आ जाएगा 3000, 3000, क्योंकि हमने इसमें कोई प्लस वन किया ही नहीं है, यहां पर कोई प्लस वन हो ही नहीं रहा है सर्कल वाले नंबर पे। अगर सेम यही नंबर ले लेते थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे कि 3800 और हमने थाउजेंड वाले प्लेस को ही चेक करना है, एस्टिमेटेड थाउजेंड चेक करना है। तो थाउजेंड वाला प्लेस चेक करो कौन सा है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ये थ्री डिजिट जो है वो थाउजेंड प्लेस पर है। हमारे राइट हैंड वाला नंबर चेक करो क्या हुआ, एट, जो एट है वो राउंडिंग अप में आएगा क्योंकि ये फाइव से बड़ा नंबर है। राइट, यस। तो यहां पर ये सर्कल वाले नंबर में क्या हो जाएगा प्लस वन, क्या हो जाएगा प्लस वन, कौन से नंबर में, जो सर्कल के अंदर नंबर है। चलो अब इसको चेक करते हैं क्या आ गया इसका आंसर, वन टू थ्री, वन टू थ्री, क्लियर इट इज। गुड, सेम ऐसे ही लैक्स भी करते हैं, एस्टिमेटेड लैक्स।
अगर कोई भी नंबर हमने लिया, जैसे कि एक नंबर हमने लिया 3, 8, 2, 6, 0, इसमें चलो प्लेस वैल्यू चेक करते हैं लैक की। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, और आगे मान लिया सिक्स, ये हो गया 10,000 लैक। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक। कोई भी लैक इसमें चेक करो कौन सा है, सिक्स। सिक्स डिजिट कौन से प्लेस पर आ रहा है, लैक पर। अब इसके राइट हैंड साइड वाला नंबर चेक करो क्या है, थ्री है। थ्री जो है वो राउंडिंग डाउन में आ रहा है या राउंडिंग अप में आ रहा है, राउंडिंग डाउन में, क्योंकि ये फाइव से छोटा है। तो क्या हम ऐड करेंगे कुछ इसमें, नहीं ऐड करेंगे। तो सर्कल वाले नंबर पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, सिक्स के पीछे कितने जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एस्टिमेटेड लैक्स का। 6, 8, 3, 2, 0, 5, इसमें चलो चेक करो लैक कौन सा है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड और लैक। तो ये सिक्स नंबर है लैक प्लेस पे। इसके राइट हैंड साइड वाला नंबर चेक करो, एट। एट जो है वो राउंडिंग अप में है क्योंकि वो फाइव से ज्यादा है। तो क्या करेंगे, प्लस वन। सर्कल वाले नंबर में क्या करेंगे हम, प्लस वन। आंसर क्या आएगा, सेवन। और इसके पीछे कितने जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो आज हमने क्या पढ़ा, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के दो मेथड्स थे, राउंडिंग डाउन एंड राउंडिंग अप। यहां पर हमने चेक किया राउंडिंग डाउन में जो भी फाइव से कम थे वो राउंडिंग डाउन में आ गए नंबर्स, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, और जो भी फाइव या फाइव से ज्यादा थे वो नंबर आ गए राउंडिंग अप में, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, बस यहां तक। यहाँ पे हमने देख लिया एस्टिमेशन टेंस का, एस्टिमेशन हंड्रेड का, एस्टिमेशन थाउजेंड का, एस्टिमेशन लैक्स का। तो आज मैं होमवर्क दूंगी, मेरे पास ये बुक है सरस्वती कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट थ्री की, ये बुक है मेरे पास, इसका पेज नंबर है 24 और एक्सरसाइज नंबर है 2.4। यहां पर राउंडिंग ऑफ करना है फर्स्ट क्वेश्चन में नियरेस्ट टेंस, सेकंड क्वेश्चन में भी नियरेस्ट हंड्रेड पे है, थर्ड क्वेश्चन में भी नियरेस्ट हंड्रेड है, फोर्थ क्वेश्चन नियरेस्ट हंड्रेड, फिफ्थ क्वेश्चन नियरेस्ट हंड्रेड और सिक्स्थ क्वेश्चन नियरेस्ट लैक्स, सेवेंथ क्वेश्चन nearest 10 lakh. Thank you for watching our video.